मुआवजा वितरित करने की शुरुआत के साथ ही खामियां सामने आने लगी हैं। मंगलवार को जींद में ऐसा ही देखने को मिला। जींद के साथ लगते गांव जलालपुरा के किसानों ने गिरदावरी में भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और डीसी को ज्ञापन सौंपकर गिरदावरी करवाने वाले पटवारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। हमारे गांव में केवल 90 आदमियों को मिला है और मुझसे बिल्कुल गांव पूरा गांव से संतुष्ट नहीं है। पूरे गांव के लेडीज और जेंट्स डिस्चार्ज से शिकायत करने के लिए आए हैं और हमें जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम इसी तरह डिस्चार्ज से मिलते रहेंगे और हम इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि जलालपुरा कलां गांव में लगभग 1000 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल में 90% या इससे अधिक नुकसान बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से हुआ। सरकार की तरफ से नुकसान के लिए मुआवजा वितरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इनके गांव के पटवारी द्वारा मौके पर जाकर कोई गिरदावरी नहीं करवाई गई और कुछ लोगों ने मिलीभगत करके गांव के केवल 40 एकड़ जमीन का खराब होना दर्शाया और केवल 90 लोगों को ही मुआवजा दिया गया, जबकि गांव में लगभग 1000 एकड़ गेहूं में नुकसान हुआ है। फसल तेजी मारा 100 का 100 नुकसान था गांव में और पटवारी ने ना वहां के गिरदावरी करी। वो तो जिसको 5-7 आदमियों का मिला था उनने गिरदावरी करवा दी, उनने मुआवजा आ गई। साबित गांव का मुआवजा नहीं आया है। हमें आज डीसी ने न्यू मिलन आए हैं। डीसी भी नहीं करेगा तो फिर ऊपर भी जाएंगे हम, आंदोलन पूरा जारी रखेंगे। इतना नहीं होया तुम्हारा। किसानों ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने पटवारी को पैसे दिए उनकी कोई फसल खराब नहीं होने के बावजूद मुआवजा राशि दिलवाने के लिए फसल का खराब होना दिखाया गया और जिन किसानों की फसल वास्तव में खराब हुई थी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, इसलिए मामले की जांच करवाई जाए और किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा दिलाया जाए। जींद से जोगिंदर दुहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा।